मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर व आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आपके कमाईयों में, कारोबारों में बेपनाह तरक्की और बेपनाह बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आज का मसला ये है कि कब्र पर या कब्र के सामने नमाज पढ़ना कैसा है। इत्तफाक़ से अगर हम कहीं फंस जाए, चारों तरफ कब्र है या कब्रिस्तान है, तो उस सूरत में क्या हम उसके सामने नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं, ये मसला है। देखिए दोस्तों, उलमा कराम और मुफ्तियान अज़ाम क्या फरमाते हैं इस मसले के बारे में कि कब्र पर या कब्र के दरमियान नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, कब्र के सामने और कब्र पर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। दोस्तों, इस सूरत में नमाज मकरूह नहीं है कि कब्र और मुसल्ला के दरमियान में कोई पर्दा आइल हो जाए या कब्र के ऊपर इस तरह छत बनाई जाए कि दरमियान में जगह खाली हो, तो दोस्तों इस सूरत में तो नमाज हो जाएगी। वरना अगर कब्र के सामने, कब्र के दरमियान अगर आपने नमाज अदा की तो नमाज नहीं होगी, पर्दा होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को ये मसला बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कहीं गलती हो जाए तो उसकी